A point charge of magnitude 1 microcoulomb is fixed at 000. An isolated uncharged spherical conductor is fixed with its center at 400. The potential and induced electric field at the center of the sphere is. ये ऑप्शंस है. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पॉइंट चार्ज 1 माइक्रोकूलम इज फिक्स्ड एट 000. ये लीजिए. और एन आइसोलेटेड अनचार्ज कंडक्टर स्फेरिकल कंडक्टर इज फिक्स्ड विद इट सेंटर एट 400. तो यहाँ पे मान लीजिए 400 है और यहाँ पे हमारा कंडक्टर है, कोई दूरी नहीं दे रखी इनके बीच में, ठीक है. और मतलब गलत बोल रहा हूँ, तो रखी फॉर एनी वेज, आई मीन टू से कोई रेडियस नहीं दे रखा. हाँ, ये कहना चाह रहा था कि स्फीयर का रेडियस नहीं गिवन है. एनी वेज, द पोटेंशियल एंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. देखिए, कंडक्टर के बीच में कभी भी पोटेंशियल जीरो नहीं होती अगर आसपास कहीं भी चार्ज है तो, ठीक है. तो चार्ज दे रखा है 1 माइक्रो कूलम और ये चार्ज जहाँ भी है उसको आप सेंटर पे मान लीजिए और फिर सेफर से पोटेंशियल निकाल लीजिए. तो पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर. तो सेंटर पे मान लीजिए आप, आपको रेडियस की जरूरत नहीं है, तो जो सेंटर पे पोटेंशियल होगी वही सरफेस पे भी होगी. तो एस लिख तो दिया मैंने कैप स्मॉल आर, लेकिन आपको रेडियस की जरूरत है नहीं. आप सीधे लिखिए कि इस चार्ज की वजह से सेंटर पोटेंशियल क्या है और इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो पोटेंशियल अंदर हो वो बाहर भी है. तो वी हैव 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁶ अपॉन 4. इन्होंने कोई यूनिट दे नहीं रखी वैसे तो, लेकिन क्योंकि ऑप्शंस में मीटर मीटर है तो 4 मीटर ही लेना पड़ेगा. तो दिस इज 2.25 × 10³⁔ वोल्ट. तो ये तो वोल्टेज सही आ गया और ये दो ऑप्शन में दे रखा है, तो या तो हमारा आंसर ये है 0 और यह हमारा आंसर सी है. अब मुद्दे की बात यह है कि तुरंत बच्चे 0 मार्क कर सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रटा पड़ा है कि हमेशा कंडक्टर के अंदर 0 होती है. पर नोटिस करना बहुत ज़रूरी है, सवाल में बोला है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या है. टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है इस चार्ज की वजह से और इस यहाँ पे जो फील्ड होगी और इसकी वजह से यहाँ पे इंड्यूस्ड चार्ज आए होंगे, यहाँ पे थोड़े ज़्यादा और यहाँ थोड़े से कम क्योंकि ये दूर पोर्शन है, इसकी और इसकी मिक्सचर की वजह से फील्ड 0 है यहाँ पे. यानी कि जितने भी ये कंट्रीब्यूट कर रहा होगा सेंटर पे उतनी ये अपोजिट डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट करेंगे तभी फील्ड 0 होगी. और इन्हें इंड्यूस की वजह से मात्र पूछी है, ना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए 0 तो है ही नहीं. तो बिना कैलकुलेट करे आप सी मार्क कर सकते हो और करना है तो कर लीजिए. इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय ये डिस्टेंस का आर स्क्वायर 9 × 10⁻⁹. क्यू इज 10⁻⁶ अपॉन 16. तो 9/16 5.625 होगा, 10³. अब ये तो प्लस चार्ज है तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे लेफ्ट राइट भेजेगा और हमारे इंड्यूस्ड वाले इधर भेजेंगे, क्योंकि मैंने पहले बोला कि ये पोर्शन पास में तो यहाँ माइनस ज़्यादा होगा तो इसलिए माइनस आएगा. प्रॉपरली आंसर आ चुका है न्यूटन पर कूलम में. सी इज द करेक्ट आंसर.